सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, भारतीय धर्म और संस्कृति में प्रसिद्ध कहावत है जो गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के महत्व को दर्शाती है। ये कहावत ये संकेत देती है कि भारत के सभी पवित्र तीर्थों पर बार बार जाने का महत्व है, लेकिन गंगा सागर की यात्रा का पुण्य इतना बड़ा है कि इसे जीवन में एक बार करना ही पर्याप्त है। गंगा सागर तीर्थ का स्थान कहाँ है? गंगा सागर तीर्थ पश्चिम बंगाल के दक्षिण में सुंदरबन क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। ये स्थान गंगा नदी के समुद्र में मिलन स्थल पर स्थित है। गंगा का ये संगम अत्यधिक पवित्र माना जाता है और इसे सागर संगम अभी कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं गंगा सागर तीर्थ की पौराणिक कथा। गंगा सागर तीर्थ का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसका संबंध राजा सगर और उनके वंशजों की कथा से है, जो इस प्रकार है। जाने राजा सगर और कपिल मुनि की कथा। अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में अश्व घोड़ा का इस्तेमाल होता है और घोड़े को रोकना या पकड़ना यज्ञ को चुनौती देना माना जाता था। देवराज इंद्र ने यज्ञ को बाधित करने के लिए यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें घोड़ा चुराने का दोषी ठहराया। इससे कपिल मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। राजा सगर के वंशज अंशुमान और बाद में भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या की। भगवान शिव और गंगा के आशीर्वाद से गंगा को पृथ्वी पर लाया गया। गंगा नदी ने कपिल मुनि के आश्रम पर बहते हुए राजा सगर के पुत्रों के भस्म को स्पर्श किया, जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये स्थान जहां गंगा सागर से मिलती है पवित्र माना गया और गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जाने गंगा सागर मेले का महत्व। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ गंगा सागर मेला आयोजित होता है, जो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा और समुद्र के संगम में स्नान करते हैं। ये स्नान सभी पापों को धोने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। इसके बाद श्रद्धालु कपिल मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। जाने गंगा सागर यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। एक, मोक्ष प्राप्ति। मान्यता है कि गंगा सागर में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। दो, पुण्य का फल। गंगा में स्नान करने से मिलने वाले पुण्य का हजारों गुना फल गंगा सागर में स्नान से मिलता है। तीन, श्रद्धा और भक्ति। ये यात्रा भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण को दर्शाती है। गंगा सागर वो स्थान है जहां गंगा का पवित्र जल समुद्र में मिलता है। पौराणिक महत्व और धार्मिक आस्था के कारण इसे अद्वितीय स्थान प्राप्त है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इस कहावत का भाव ये है कि ये तीर्थ स्थान इतनी दिव्यता और महत्व रखता है कि इसे जीवन में एक बार अवश्य जाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।